स्वागत है किचन टू किचन में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बच्चे और बड़ों का फेवरेट चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी। से बनाना बहुत आसान है और जैसे कि बच्चे बड़े सभी को पसंद है और बस कुछ ही दिन में दिवाली आने वाला है, तो इस चॉकलेट बॉल को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस लगता है ये खाना। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। चॉकलेट बॉल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डबल बॉयलर की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटे पतीले में पानी रख दिया था और पानी को हम हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमारा अच्छे से गुनगुना हो चुका है, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कर दिया है धीमा। और एक कांच का बाउल, आप कोई भी बाउल यूज कर सकते हैं, स्टील का भी बाउल। बस ध्यान रखना है कि उसके तले में, बर्तन के तले में पानी नहीं लगना चाहिए। आधा कप इसमें बटर डाल देंगे हम। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और यहाँ पर जो अपने नॉर्मल बटर होता है सॉल्ट वाला, वही मैंने यूज किया है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो बटर है हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है और जो पानी हमने नीचे रखा है वो पानी दूसरे बर्तन के, जिसमें हमने बटर रखा है उस बर्तन के तले में नहीं चिपकना चाहिए। सिर्फ बाफ की, जो बाफ आएगा उसके वजह से बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। तो जितना हमने बटर लिया है उतना ही उसी कप से, आधा कप मैंने चीनी लिया है, ये आधा कप का मेजरमेंट कप है। अगर आप एक कप बटर ले रहे हो तो आप एक कप चीनी का पाउडर लीजिएगा। यहाँ पे आधा कप बटर था तो आधा कप चीनी ले लिया और अच्छे से उसे भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अनस्वीटेड कोका पाउडर, मतलब कि इसमें चीनी नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का कोका पाउडर यूज कर सकते हैं। तो जितना हमने बटर और चीनी लिया था उतना ही हमने कोका पाउडर लेना है। मतलब कि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चीनी का पाउडर और बटर और कोका पाउडर एक ही कप या बाउल से आप मेजरमेंट कीजिएगा और इन सारी चीजों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा जो है ये मिश्रण अभी वाटरी लग रहा है, यानी कि गीला लग रहा है। तो अगर आप किसी मोल्ड में इसे सेट होने के लिए रख रहे हैं तो बस ये परफेक्ट है। इतने पे आप गैस बंद कर दीजिए और इसे निकाल लीजिए। लेकिन हमें इसे बॉल बनाना है, चॉकलेट बॉल बनाना है, तो हल्का सा मैंने इसे गाढ़ा कर लिया है और अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, एक छोटा सा पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें आधा चम्मच बटर डाल दिया है। बटर को बढ़िया तरीके से गर्म होने के बाद कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू कट कर लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है उसको आप कट करके फ्राई कर लीजिए। बस 50 से 60 सेकंड के लिए हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट है अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब गैस का फ्लेम करते हैं बंद, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और अभी हम चम्मच के हेल्प से इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा, तो चॉकलेट बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसे होने देते हैं ठंडा और ठंडा होने के बाद इसे मैं और भी बारीक कर लूंगी, यानी कि कूट लूंगी। और यहाँ पर जो हमारा चॉकलेट का मिश्रण हमने उतारा था वो भी अच्छे से हल्का सा ठंडा हो गया है और इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है ताकि ये और भी बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर मोटा रहेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और अब जो हमारा ड्राई फ्रूट था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। इसमें आपको बटर या घी अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया से हमें डो बना करके रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल चॉकलेट बनाने के लिए डो बनकर रेडी है। तो फटाफट से हम इसका बना लेते हैं चॉकलेट बॉल। तो जितना बड़ा छोटा आपको बनाना होगा उस हिसाब से आप चॉकलेट का ये मिश्रण ले लीजिए और सिंपल तरीके से जैसे पेड़ा बनाते हैं, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। तो अच्छे से प्रेस करते हुए हम छोटे छोटे चॉकलेट के बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट यानी कि पहला चॉकलेट बॉल बना करके रेडी कर लिया। देखिए कितना बढ़िया एकदम ग्लॉसी बन करके रेडी हुआ है ये चॉकलेट बॉल। तो इसे रखते हैं प्लेट में और एक और बॉल में आपको बना करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि हल्का सा मिश्रण गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा। तो इसलिए हल्का सा जब गर्म होगा तभी आप फटाफट से बना लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि चॉकलेट बॉल क्रैक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है मिश्रण, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसे डबल बॉयलर पर फिर रख करके हल्का सा गर्म
कर लीजिएगा, उसके बाद फटाफट से जो चॉकलेट बॉल है बन जाएगा। तो इसी तरीके से सारे चॉकलेट बॉल्स मैंने बनाकर रेडी कर लिए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हमने ले लिया है चॉकलेट सॉस और इसके अंदर डीप करेंगे हम चॉकलेट बॉल को। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसे रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन चॉकलेट सॉस के अंदर ये डालने से बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी बनेगा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा हमारा चॉकलेट। तो इसमें हमने डीप कर लिया है और इसे हम इस तरीके से किसी भी जाली पे रख दें या आप किसी भी पेपर पे रख दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा इसका चॉकलेट सॉस इसके अंदर है वो अच्छे तरीके से नीचे चला जाए और जितना इसको चाहिए कोटिंग के लिए उतना अच्छे से कोट हो जाएगा इसके ऊपर चॉकलेट सॉस। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे चॉकलेट बॉल को मैं अच्छे से डीप कर लेती हूँ चॉकलेट सॉस में। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, सारे मैंने चॉकलेट बॉल्स को अच्छे तरीके से कोट कर लिया है, यानी कि कवर कर लिया है। बहुत ही फटाफट से ये हो जाता है। और अगर आपके पास चॉकलेट सॉस नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले बोला है कि आप उसके बिना भी इस चॉकलेट को 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में रख दीजिए और उसके बाद इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत डिलीशियस लगता है ये खाने में। लेकिन एक ये फ़ायदा है चॉकलेट सॉस में इसे डीप करने का कि ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी बन जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा आपको। तो अब इस ट्रे को मैं रख दूंगी फ्रीजर के अंदर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में बहुत ही बढ़िया हमारा चॉकलेट सेट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसे हम रखते हैं फ्रीजर में। फ्रीज में नहीं रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे। अगर आप फ्रीज में रख रहे हैं तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखिएगा और फ्रीजर में ये बस 10 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद हमने इस चॉकलेट को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं हमारा जो चॉकलेट बॉल है कितना बढ़िया, कितना डिलीशियस लग रहा है दिखने में। तो इसे और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैं स्प्रिंकल करूंगी इसके ऊपर कोका पाउडर। आप चाहें तो जो कलरफुल चॉकलेट बॉल्स आते हैं या स्प्रिंकल्स आते हैं उससे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा समय से पिस्ता ग्रेट करके रख रही हूँ ताकि ये और भी ब्यूटीफुल लगे दिखने में। वाओ, आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा चॉकलेट बॉल। तो एक चॉकलेट बॉल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा सेट हुआ है और अंदर से जो इसका टेक्सचर है ना, वाओ, बहुत ही बढ़िया। मतलब जो ये चॉकलेट बॉल बन करके हमारा रेडी हुआ है तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और जो हमने ड्राई फ्रूट ऐड किया है ना, वो काजू और बादाम, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है हमारे चॉकलेट बॉल में। और हल्का सा उसे रोस्ट करने से तो बहुत ही बढ़िया डिलीशियस लगता है, क्रंचीनेस आता है चॉकलेट के अंदर। तो आप इस चॉकलेट बॉल को अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए कि अगर आप एक बार इस चॉकलेट बॉल को अपने घर पे बना लेंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेगा। और सिर्फ मतलब बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी भी हो जाता है। जब भी बच्चे जिद करे चॉकलेट खाने का तो आप फटाफट से इस चॉकलेट बॉल को बना करके रेडी कर सकती हैं और आप इसे स्टोर करके लगभग 15 से 20 दिन तक स्टोर करके आप रख सकती हैं एयर टाइट कंटेनर में, फ्रीज के अंदर या फ्रीज के बाहर भी आप इसे स्टोर करके रख सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।